कल हो ना हो, रामपुर में एक लड़की सीना रहती थी जो देखने में बहुत ही सुंदर और क्यूट थी। उस दिन सीना का बर्थडे था, वो बहुत खुश थी कि आज उसकी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन था। और वो भी कैसे नहीं, क्योंकि वो जिस लड़के से प्यार करती थी उसे पूरी उम्मीद थी कि वो उसे शादी के लिए प्रपोज करेगा, क्योंकि संजय ने सीना से प्रॉमिस किया था। सीना बेसब्री से संजय का इंतजार कर रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। सीना संजय को देखकर अपनी खुशी को रोक नहीं पाती है और उसे गले से लगाकर एक प्यारा सा हग करती है। संजय, मुझे माफ करना जान, आने में थोड़ा लेट हो गया। सीना, अच्छा कोई बात नहीं, ये बताओ मेरा गिफ्ट कहाँ है। संजय एक टेडी बियर सीना को देते हुए हैप्पी बर्थडे जान विश करता है। सीना, गिफ्ट को लेते हुए, ये क्या है? मैंने तो सोचा था कि तुम मुझे डायमंड की रिंग देकर शादी के लिए प्रपोज करोगे, लेकिन तुम तो छोटा सा टेडी बियर लेके आए हो। सीना को मन ही मन उस पर बहुत गुस्सा आया और बिना कुछ सोचे समझे उसने टेडी बियर को खिड़की से बाहर फेंक दिया और बिना कुछ कहे वहाँ से अपने रूम में चली गई। तभी संजय नीचे दौड़ कर जाता है, देखता है कि उसका टेडी बियर बीच सड़क पे पड़ा हुआ है। जैसे ही वो उसे उठाने के लिए नीचे झुकता है कि एक तेज रफ्तार से आता ट्रक संजय को कुचल देता है। संजय को हॉस्पिटल के लिए ले जाया जाता है, लेकिन वह रास्ते में ही दम तोड़ देता है। सीना हॉस्पिटल पहुंचती है और संजय को इस हालत में देख रोने लगती है। उसके पास ही संजय का टेडी बियर मिलता है। सीना उसे अपने गले से लगाकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी सीना को टेडी बियर के पास एक बटन सा दिखता है। जैसे ही वो उस बटन को दबाती है तो उस टेडी बियर से आवाज आती है, सीना क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तभी टेडी बियर के ऊपर का एक हिस्सा खुलता है और उसमें से एक डायमंड की रिंग निकलती है। तब तक काफी देर हो चुकी थी, अब वो अपने संजय से कभी नहीं मिल पाएगी। सीना शायद ही कभी इस गलती के लिए अपने आप को माफ कर पाएगी। दोस्तों, हमें भी अपने प्रियजनों से नाराज नहीं होना चाहिए। अगर उनसे कोई गलती भी हो जाए तो उन्हें माफ करने में देरी मत कीजिए, क्योंकि इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। गुस्सा तो बिल्कुल भी ना करें, क्या पता कल हो ना हो। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलते